उधर केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखी गई विपक्ष की चिट्ठी में कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उनके पास विपक्ष को एकजुट करने का एक चौंकाने वाला प्लान है जो एक सरप्राइज होगा। लेकिन केजरीवाल समेत 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम को जो चिट्ठी लिखी उसने राहुल गांधी को ही सरप्राइज दे दिया, क्योंकि इस चिट्ठी में कांग्रेस का जिक्र तक नहीं था, जबकि इससे पहले राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को सरप्राइज देने का दावा किया। And we've got some very interesting ideas. I don't want to sort of spoil the surprise. लेकिन राहुल का ये दावा आम आदमी पार्टी के गले नहीं उतरा। उसने प्रधानमंत्री को राहुल से बेहतर सियासी खिलाड़ी तक बोल दिया। मैच जो है राहुल गांधी के बनाम खेलेंगे, प्रधानमंत्री उसके अंदर बेटर आएंगे। कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया ही था कि 8 विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को ऐसे अलग कर दिया जैसे दूध से मक्खी, जबकि कांग्रेस 2024 में विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी की सत्ता वापसी पक्की हो सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समुदाय के मंदिर पर हुए हमले की वहां की सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में हिंसक प्रदर्शनों और तोड़फोड़ को गलत ठहराया और साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Not give you the right to engage in violent protest, in hate speech or in vandalism. ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2 दिन पहले हिंदू समुदाय के मंदिर पर हमला हुआ था। आरोप है कि खालिस्तान समर्थकों ने उस मंदिर पर हमला किया। ऑस्ट्रेलिया में 2 महीनों में 4थी बार हिंदू समुदाय के मंदिर को निशाना बनाया गया। उधर पाकिस्तान अपने यहाँ महिलाओं से इतना डरा हुआ है कि उसने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन्हें मार्च निकालने तक की इजाजत ही नहीं दी। 2018 से पाकिस्तान के बड़े शहरों में महिला दिवस पर मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन लाहौर में औरत मार्च के नाम से निकलने वाले जुलूस को प्रशासन ने इजाजत देने से साफ मना कर दिया। दलील ये दी गई कि मार्च के दौरान महिलाएं आपत्तिजनक प्लेकार्ड और बैनर लेकर सड़कों पर उतरती हैं, जबकि औरत मार्च के जरिए पहले तलाक और यौन शोषण जैसे मुद्दे उठाए गए। आरोप लगाया जाता है कि औरत मार्च में पश्चिमी सभ्यता का डंका पीटा जाता है और इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। लाहौर में औरत मार्च पर बैन लगाने के पीछे सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के दोगलेपन का पर्दाफाश तब हुआ जब ठीक उसी दिन धार्मिक संगठनों के हया मार्च को निकालने की मंजूरी दे दी गई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी जो गर्मी शुरू हुई है वो तो कुछ भी नहीं है, आने वाले महीने तो इतनी आग उगलेंगे कि गर्मी सहना बस से ही बाहर हो जाएगा। ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और आशंका जताई कि कुछ ही महीनों में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही ये पृथ्वी भट्टी बन जाएगी। भारत में तो फरवरी और मार्च ने ही लोगों का पसीना निकाल दिया है, उस पर अप्रैल के बाद मौसम ऐसा सुलगेगा कि हो सकता है कि इंसान हार ही मान ले। गर्मी झुलसाती रहेगी, लेकिन आशंका है कि आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं बरसेगी, जमीन सूख जाएगी और आगे अकाल भी पड़ सकता है। और ये सब एल नीनियो इफेक्ट की वजह से होगा। एल नीनियो में पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह पर मौजूद पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। अभी तक बीते 3 साल से समंदर में ला नीनिया इफेक्ट बना हुआ था। ला नीनिया एल नीनियो से बिल्कुल उलट होता है, उसमें सतह पर मौजूद पानी ठंडा रहता है, लेकिन इसके बावजूद साल 2020 को छोड़ दें तो 2021 और 22 में जबरदस्त गर्मी पड़ी। अब जब ठंडा ला नीनिया ही गर्मी से राहत नहीं दिला पाया तो फिर एल नीनियो तो गर्मी ही लाता है, जिसका पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। भारत भी इससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि एल नीनियो की वजह से भारत में मानसून लाने वाली हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा, और पहले ही फरवरी में पड़ी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1901 के बाद बीता फरवरी सबसे गर्म रहा है, जिसकी वजह से पहले ही गेहूं, दाल और तिलहन की फसलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उस पर अगर एल नीनियो इफेक्ट भी आ धमका तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे, क्योंकि अगर गर्मी भी जबरदस्त पड़ी और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई तो फसल बर्बाद होगी, और फसल बर्बाद हुई तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, वो भी ऐसे बढ़ेंगे कि महंगाई कमर तोड़ डालेगी। इससे वित्तीय घाटे का हिसाब भी बिगड़ सकता है।